Good morning to all of you. Today I am going to discuss of some questions of linear equation in one variable, type reversing that is it, and based on age. मैं आपके सामने दो टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा. एक क्वेश्चन है रिवर्सिंग द डिजिट और दूसरा क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन एज. सी फर्स्ट क्वेश्चन. द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3. इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. What can be the original number? देखिए ध्यान से, ये जो टाइप है वो आपका मैंने लिखा हुआ रिवर्सिंग द डिजिट. जहां पर डिजिट को रिवर्स करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है. तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा. सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये चीज डिस्कस करूंगा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 32 लिखा हुआ है तो इसका जब रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा. अब मैं आपको बताता हूं कि ये नंबर जो है वो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को किस तरीके से फॉर्म किया गया है, किस तरीके से एक्सपेंड किया गया है कि ये 32 आपका आया है. 32 कैसे आया होगा आपका, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई होगी क्योंकि 2 आपका यूनिट प्लेस पर है और 3 आपका टेंस प्लेस पे है. तो आपका जो भी आंसर आया वो 32 आया. यानी कि आपकी वंस प्लेस पर डिजिट लिखी है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो आपकी टेंस प्लेस पर डिजिट लिखी है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप उनको ऐड करेंगे तो आपका नंबर बन जाएगा. तो आइए क्वेश्चन को पहले एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाई 3. डिफर बाई 3 का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने वंस प्लेस पर जो डिजिट थी, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स, नाउ द टेंस प्लेस बी, टेंस प्लेस क्या हो जाएगा आपका, नाउ द टेंस प्लेस बी. अब डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है. तो x माइनस 3 भी हो सकता है और x प्लस 3 भी हो सकता है. तभी तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितने का आएगा, 3 का आएगा. तो आप यहां पे x प्लस 3 लिख लीजिए. मेरी आदत है मैं प्लस में लिखता हूं तो आसान रहता है. आप चाहें तो यहां पे x माइनस 3 भी लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. तो पहले आप ओरिजिनल नंबर बना लीजिए. मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल नंबर कैसे बनता है. वंस प्लेस पर जो नंबर, जो डिजिट लिखी हुई है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टेंस प्लेस पर डिजिट लिखी हुई है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 11x प्लस 30 आ जाएगा. अब उसने क्या बोला, अब उसने डिजिट को रिवर्स कर दिया. जब डिजिट को रिवर्स कर दिया तो इसका मतलब है कि जो वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी वो टेंस प्लेस पर आ गई होगी और जो टेंस प्लेस पर डिजिट होगी वो वंस प्लेस पर आ गई होगी. तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा आफ्टर द रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर तो आपका क्या हो जाएगा, जो टेंस प्लेस पर आपकी डिजिट थी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वंस प्लेस पर थी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये आपका आ जाएगा 11x प्लस 3. ठीक है, बहुत ध्यान से काम करिएगा. जो वंस प्लेस पे था उसको टेंस प्लेस पे कर दिया, जो टेंस प्लेस पे था उसको वंस प्लेस पे कर दिया. अब ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये आपका न्यू नंबर है. अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. कह रहा है कि अगर मैं रिवर्स कर दूं और उसको रिजल्टिंग नंबर, जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है उसमें ऐड कर दूं तो उसका जो सम है इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 30 प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 143. ऐड कर लीजिए इसको, 22x प्लस का 33 इक्वल टू 143.
आपको पता है ये प्लस 33 है, इधर जाके माइनस का 33 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, ये 1 हो गया और ये आपका 110 22x x इक्वल टू ये इनटू हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका 5 आ गया। अभी आंसर नहीं आया मेरा, अभी मेरा क्या आया यूनिट प्लेस पे जो नंबर था, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट थी वो आ गई 5। यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या हो गया मेरा, ओरिजिनल नंबर यानी कि जो आपने शुरू में लिया था, ओरिजिनल नंबर क्या है 11x plus 30, यानी कि 11 into 5 plus 30, तो पहले बॉड मास के रूल से इनटू होगा, 55 plus 30 कितना आ जाएगा 5 और 85। अब आप चेक करिए, अब जैसे ही आप इसका न्यू नंबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 58, और जब आप 85 और 58 को ऐड करेंगे तो आप देखिए ध्यान से आपका 143 आ रहा है, यानी कि आपने जो भी आंसर निकाला है ओरिजिनल नंबर वो आपका बिल्कुल सही है 85 है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर अगर मैंने x माइनस 3 लिया तो आप x माइनस 3 लिखे तो ये तब भी आंसर आपका यही आएगा, ओरिजिनल नंबर आपका 85 आएगा। तो आपको करना क्या था, पहले यूनिट प्लेस की डिजिट को x मानता हूं मैं, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं हमेशा यूनिट प्लेस पर x मान लेता हूं, और टेंस प्लेस पर क्वेश्चन को पढ़ के मैं टेंस प्लेस निकालता हूं। नंबर कैसे बनता है, वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद अगर वो कहता है कि रिवर्स कर दीजिए डिजिट को तो मैं रिवर्स कर दिया, उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। अब की बार वहां पे डिफरेंस था, अब की बार यहां पे सम दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर दो लोगों के पास 9 रुपीज हैं तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे 9 माइनस x, x प्लस 9 नहीं होंगे 9 माइनस x होंगे। तो मैंने यूनिट प्लेस पर जो डिजिट थी उसको x मान लिया तो टेंस प्लेस पर क्या हो जाएगा 9 माइनस x। अब आप ओरिजिनल नंबर बनाइए, नंबर बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, ओरिजिनल नंबर क्या होगा x into 1 plus 9 minus x into 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 माइनस का 10x प्लस का x, ये आपका 90, ये आपका आ जाएगा 90 माइनस का 9x, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। अब न्यू नंबर क्या होगा, यानी कि रिवर्स कर देंगे नंबर, क्योंकि उसने रिवर्स करने के लिए मुझसे बोला है। When we intersect the digit, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27. अभी वो बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग न्यू नंबर निकाल लेते हैं। तो जो टेंस प्लेस पर है वो वंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो आपका वंस प्लेस पे है वो टेंस पे चला जाएगा, तो ये आपका आ गया, ये आपका हो गया 9x plus 9। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल नंबर लिख दिया मैंने और ये आपका न्यू नंबर लिख दिया मैंने। अब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर दिस वन इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। न्यू नंबर क्या है, 27 बड़ा है, तो आप या तो 27 यहां से माइनस कर दीजिए तो ये बैलेंस हो जाएगा, पर या फिर 27 यहां प्लस कर दीजिए तो फिर बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने उसमें 27 माइनस कर दिया, आप चाहें तो 27 यहां प्लस कर दीजिए तो भी बैलेंस हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा 90 माइनस का 9x माइनस का 9x, ये आपका 9 माइनस का 27 माइनस का ये जो 90 लिखा है आपने, आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 9 माइनस का 27 माइनस का 90 माइनस का 18x, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 11 हो गया आपका। अब आप इसमें से 9 को माइनस कर दीजिए तो 108 आएगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 108 अपॉन 18, 18 5 जो 90, 18 6 जा आपका होता है 108। तो आपका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 6 आ गया। तो आप ओरिजिनल नंबर बनाइए, ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका, ओरिजिनल नंबर
90 माइनस का 9x, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 9 इंटू 6 90 माइनस 54 तो 10, ये 6 हो गया आपका, ये 36 ओरिजिनल नंबर आपका 36 है। अब आप क्या काम करिए, अपने आंसर को चेक करिए, आपका ओरिजिनल नंबर 36 है तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 27 का होना चाहिए, तो 27 आपका बड़ा आ रहा है, देख लीजिए आप 27 जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो है ये आपका 63 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमने आंसर निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 36। तो आपने देखा कि सबसे पहले जब कभी भी रिवर्सिंग या डिजिट के क्वेश्चन आए तो आपको यूनिट प्लेस को एक्स मानना है, टेंस प्लेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर उसके बाद ओरिजिनल नंबर आपको बनाना है, फिर न्यू नंबर रिवर्सिंग या डिजिट कर दीजिए, न्यू नंबर बना लीजिए, और फिर उसके बाद कंडीशन को पढ़िए कि क्वेश्चन में आपकी कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने उसको सॉल्व कर लीजिए। और जो आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान से देखिए, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन द बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग। देखिए इसमें एक चेन बन रही है, सबसे छोटा है बैचुंग, ठीक है, उसके बाद है बैचुंग के फादर, बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स फादर है, उसके बाद बैचुंग के क्या है दादाजी, बैचुंग्स ग्रैंड फादर, एक चेन बन रही है, सबसे छोटा बैचुंग है, उसके बाद बैचुंग के पिताजी होंगे और उसके बाद बैचुंग के दादाजी होंगे। तो ऐसा काम करते हैं, लेट द बैचुंग्स एज, बैचुंग्स की जो एज है उसको एक्स मान लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, बैचुंग के फादर 26 इयर्स यंगर देन द बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बैचुंग। तो बैचुंग की जो एज है वो एक्स ईयर है, तो बैचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी, सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उसको देखिए, बैचुंग्स फादर्स एज, बैचुंग्स फादर्स एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29 हो जाएगी, क्योंकि यहां देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बैचुंग, यानी कि बैचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 29। अब आप बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज देखिए, बैचुंग्स ग्रैंडफादर क्या हो जाएगी, बैचुंग के जो बैचिंग जो है वो 26 इयर्स छोटे हैं बैचुंग्स के ग्रैंडफादर से, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बैचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 26 ईयर का है। तो आप क्या काम करिए, बैचुंग के ग्रैंडफादर को 26 ईयर को ऐड कर दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैचुंग की एज अगर एक्स है तो बैचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी, 29 इयर्स ओल्डर देन बैचुंग, और बैचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं और बैचुंग के जो फादर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 26 इयर्स। तो जाहिर सी बात है कि दादाजी बड़े होंगे, दादाजी को बड़ा कर दीजिए। अब वो कह रहा है इन तीनों का सम जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का सम x, x plus 29, x plus 29 plus 26 equal to 135। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 3x हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए 18 plus 6 24, 2 कैरी, 2 to the 4 plus 2 6 plus 2 8 ये आ जाएगा। अब आप देखिए 3x equal to क्या हो जाएगा, 135 minus का 84, तो ये कितना आ गया 1, ये आपका आ गया 5। तो ध्यान से देखिए x क्या आ जाएगा आपका 51/3 यानी 17 ईयर, यानी कि बैचुंग जो होंगे वो 17 साल के होंगे। तो सबकी एज आप निकाल लीजिए, बैचुंग की एज क्या हो जाएगी आपकी 17 ईयर, बैचुंग के फादर की एज क्या हो जाएगी 17 प्लस 29 यानी कि 16 और 46, और जो बैचुंग के ग्रैंडफादर है इसमें 26 और ऐड कर दीजिए, तो 26 जैसे ही आप ऐड करेंगे इसमें
तो आपका 72 आ जाएगा। अब आप तीन इन सबको ऐड करके देखिए कि 135 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए 6 + 7 13, 13 + 2 15, 1 कैरी 5 आ रहा है, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 1 13, यानी बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन बनानी है। तो अगर आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।